तो दोस्तों किस तरह से आपको कनेक्शंस करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जहाँ पे दोनों पिन माइनस प्लस आपस में मिलती है वो ग्राउंड होती है, जैसा कि आप जानते हैं। और हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि हम किस तरह से किसी भी बीटी बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो जिसमें डुअल सप्लाई की ज़रूरत होती है, तो उस बोर्ड में हम किस तरह से बिना रेगुलेटर आईसी का यूज़ करके सप्लाई दे सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पीटी बोर्ड में, इसकी वीडियो आपने देखी होगी मेरे चैनल पर। तो यहाँ पे 7812 और 7912 दो रेगुलेटर आईसी लगी हुई है, ये माइनस के लिए सप्लाई के लिए और ये प्लस सप्लाई के लिए। तो ये है 7912 और ये है 7812। तो इसके बिना हम किस तरह से सप्लाई दे सकते हैं, पहले तो मैं इसकी वर्किंग आपको दिखा देता हूँ कि, और इसके लिए मैं कोई सॉन्ग प्ले करूँगा। तो इसमें होती है क्या, डुअल सप्लाई वाले जितने भी बोर्ड है उसमें आपको हमिंग की प्रॉब्लम है बिल्कुल जीरो मिलेगी, और सिंगल सप्लाई वाले बोर्ड में हमिंग की प्रॉब्लम इसके डिज़ाइन की वजह से होती है। तो इसमें आपको हमिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। और जहाँ तक डुअल सप्लाई वाले बोर्ड में, डुअल सप्लाई वाले बीटी बोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगल सप्लाई वाले बीटी बोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी कनेक्शंस की ये डिटेल मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इसकी टेस्टिंग पहले हम देख लेते हैं। ये बोर्ड है TDA-2030 का, IC2 लगा हुआ है, इस TDA बोर्ड है। मैं ज़्यादा इसकी साउंड नहीं बढ़ाऊँगा क्योंकि यहाँ पे IC के लिए हीट सिंक मैंने नहीं लगाई है, तो IC की जो हीट है वो ज़्यादा होने की वजह से IC जल भी सकती है। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ साउंड इसकी डेमो दूँगा। इसमें हमिंग की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी क्योंकि डुअल सप्लाई बोर्ड की खासियत होती है, और स्प्लिट सप्लाई बोलते हैं इसको, और सिंगल सप्लाई बोर्ड में हमें हमिंग की प्रॉब्लम होती है जो कि इसके डिज़ाइन की वजह से होती है। तो आइए हम बात करते हैं कि इसके बिना, इस दोनों IC रेगुलेटर IC के बिना हम किस तरह से इस बोर्ड में कनेक्शन कर सकते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए 24/24 पे चलने वाली बोर्ड है तो आप इन दोनों रेगुलेटर IC का यूज़ करके कनेक्शन कर सकते हैं इस बीटी बोर्ड का। 50/50 पे भी चलने वाले बोर्ड में आप इस बीटी बोर्ड का कनेक्शन कर सकते हैं। दो हमें जनरेटर चाहिए जो कि 1 वाट के होने चाहिए। जितने भी वोल्टेज पे ये चलने वाली बोर्ड है उसकी वोल्टेज उतनी होनी चाहिए जनरेटर की। फिर 12 वोल्ट 1 वाट का मैंने जनरेटर लिया है, और इसके साथ ही अगर डुअल सप्लाई वाले बोर्ड पे है तो 2 जनरेटर लगेंगे और 2 इसमें लगेंगे आपको 470 ओम की रजिस्टर लगेंगे। 470 ओम या 1 वाट में भी आप ले सकते हैं, 1 वाट आप लेंगे तो इससे आपकी जो है अच्छा ही रहेगा। तो आपको 1 वाट की ले लेनी है 470 ओम की रजिस्टर, और 1 जनरेटर लेने हैं 1 वाट की। आप हाफ वाट की भी ले सकते हैं जनरेटर, लेकिन रजिस्टर आप 1 वाट की लीजिए। यहाँ पर मैं डेमो के लिए सिर्फ 1/4 वाट की यूज़ कर रहा हूँ। तो किस तरह से कनेक्शन करेंगे तो इसके बारे में मैं आपको इसकी कनेक्शन कर लेता हूँ, फिर उसके बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों मैंने इसका कनेक्शन कर लिया है, और ये जो कनेक्शन है आप देख सकते हैं यहाँ से प्लस माइनस ग्राउंड की वायर आई, और यहाँ पे आपको जो ये इसकी जो IC लगी हुई थी इसकी पिन के हिसाब से, जो इनपुट आउटपुट की जो पिन है उस हिसाब से मैंने कनेक्शन कर दिया है। और जनरेटर डायोड जो है इस डायरेक्शन में लगा, ये जनरेटर डायोड रिवर्स बायसिंग में काम करता है। तो रिवर्स बायसिंग क्या होती है वो बहुत ही डीपली हो जाएगा इस वीडियो के हिसाब से।
तो उतना डीप हम नहीं जाएंगे। और इस हिसाब से हम देखते हैं कि जो काली पट्टी आप देख रहे हैं जेनो डायोड में, ये काली पट्टी की साइड जो है प्लस की साइड होती है। और ये जो एक रजिस्टर आपको लेना है जो भी 470 ओम का होना चाहिए, और ये 1 वाट का आप ले सकते हैं। तो प्लस माइनस में 1 वाट का रजिस्टर जोड़ दीजिए, और उसके बाद काली पट्टी की जो साइड है वो प्लस की साइड होती है। ग्राउंड से आपको उसकी कनेक्शन करनी है, जिस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं ग्राउंड से मैंने ये वायर जो है ग्राउंड को जाती है, तो ग्राउंड से आप ले सकते हैं। और ठीक इसके उल्टे अगर माइनस की सप्लाई दे रहे हैं, तो जिधर काली पट्टी है नहीं है उस साइड आप माइनस की सप्लाई दे सकते हैं। तो इस तरह से आप रेगुलेट कर पाएंगे, तो आपके जो है 20 रुपये इस तरह से बच जाएंगे, और ये आपको 1-1 रुपये में मिल जाएगा, और ये तो बहुत कम में भी मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से आप कनेक्शन कर सकते हैं। मैं इसकी आपको टेस्टिंग साउंड की देता हूँ। मैं ज़्यादा नहीं बजा सकता इसको, क्योंकि अभी हीट सिंक नहीं लगी हुई, तो इस वजह से आईसी जल सकती है। तो अभी तक के लिए इतना ही, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो इसके कनेक्शन मैं इस तरह से इस पर भी बताता हूँ कि किस तरह से आपको करनी है। जैसे मान लीजिए ये जो पट्टी होती है ये ग्राउंड के लिए इंडिकेट की होती है, तो ग्राउंड प्लस माइनस जहाँ पर मिलते हैं वो ग्राउंड हो जाती है, ये ग्राउंड होगी। और इस साइड जो देख सकते हैं ये प्लस वाली है, और इस साइड से जो आ रही है देख सकते हैं माइनस के लिए, तो माइनस प्लस ग्राउंड। तो आपको करना क्या है, माइनस से एक रजिस्टर लेना है 470 ओम का, 1 वाट का ले सकते हैं। उसके बाद इधर भी एक रजिस्टर जोड़ देना है जो कि 470 ओम का होना चाहिए, 1 वाट भी ले सकते हैं, 1 वाट रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों किस तरह से आपको कनेक्शंस करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जहाँ पे दोनों पिन माइनस प्लस आपस में मिलती है वो ग्राउंड होती है, जैसा कि आप जानते हैं, और एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव। अगर डुअल सप्लाई वाले बोर्ड में कनेक्शन कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, एक 470 ओम का रजिस्टर लेना है, और ये है जनरेटर। तो जनरेटर में आप देख सकते हैं कि ये काली पट्टी होती है, काली पट्टी की साइड को हम ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे, और इधर से जो आती है वो हमको नेगेटिव प्योर मिलेगी, और उसी तरह से हम ये जो है काली पट्टी वो प्लस की कोऑर्डिनेट करती है। ये जनरेटर रिवर्स बायसिंग में काम करता है, ये थोड़ी डीप सब्जेक्ट हो जाएगा, इसके लिए हम इसके डीप में नहीं जाते हैं। तो हमको क्या करना है, ये काली पट्टी हम आमतौर पर समझ लेते हैं, ये काली पट्टी हम जो देखते हैं जनरेटर में वो प्लस को डिनोट करती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं काली पट्टी को हमने इस तरह से ग्राउंड में कनेक्ट किया है, और इसके लिए इधर से काली पट्टी से हम प्लस को ले रहे हैं, और इस साइड की जिधर काली पट्टी नहीं है उस साइड से माइनस को ले रहे हैं। तो हमको माइनस रेगुलेटर मिल जाएगा और प्लस रेगुलेटेड सप्लाई मिल जाएगा, और ग्राउंड को हम 20 से ले लेंगे, तो ये ग्राउंड हो जाएगी हमारी, और ये माइनस और ये प्लस हो जाएगी। तो इस तरह से हम किसी भी बीटी बोर्ड में कनेक्शन कर सकते हैं डुअल सप्लाई वाले एम्पलीफायर के लिए। अगर हमारे पास सिंगल सप्लाई बीटी बोर्ड है तो हम क्या करेंगे, हम प्लस ले लेंगे और एक ग्राउंड ले लेंगे, माइनस के लिए हम कोई सा भी चीज़ नहीं करेंगे। हम ग्राउंड से एक जनरेटर लेंगे जो कि जिस तरह से कनेक्ट करना है, काली पट्टी को प्लस के साइड में रखना है, और ये प्लस हो जाएगी हमारी और ये ग्राउंड हो जाएगी। तो हमको सिर्फ एक जनरेटर लगेगा सिंगल सप्लाई वाले बीटी बोर्ड में कनेक्शन करने के लिए, और एक रजिस्टर लगेगा डुअल सप्लाई वाले बोर्ड में कनेक्शन करने के लिए, हमको 2 रजिस्टर लगेगा और 2 जनरेटर लगेगा। तो दोस्तों इसका कनेक्शन करने के लिए आप इसकी मदद ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से हमको 220 ओम की रजिस्टर लेनी है 2, और ये जो मैंने आपको बताया रिवर्स बायसिंग में काम करती है। तो ये डायोड की जो इधर की पिन है ये देख सकते हैं ये प्लस होती है,
और ऊपर वाली माइनस होती है, लेकिन ये रिवर्स बायसिंग में काम करता है, इस वजह से हम इसको ऊपर की साइड को प्लस मानेंगे। तो ये प्लस हो गई हमारी, और इस साइड को नेगेटिव मानेंगे, तो हमारी नेगेटिव ये हो गई। तो हम प्लस इधर से लेते हैं, तो प्लस हमारी रेगुलेट करके ये 12 वोल्ट हमें देगा। तो आप इस तरह से बिना रेगुलेटर आईसी के यूज करके कनेक्शन दे सकते हैं अपने किसी भी बीटी बोर्ड में। अगर आपका बोर्ड सिंगल सप्लाई पे है और आप उसको डबल सप्लाई वाले किसी एम्पलीफायर में कनेक्ट कर रहे हैं, तो इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। आपको एक जनरल डायोड लगेगा और आपको एक प्लस की कैपेसिटर से प्लस की वायर लेनी है, जो कि 220 ओम की रजिस्टर लगानी है। तो ये आपकी 12 वोल्ट निकाल के देगा और इधर से आपकी ग्राउंड हो जाएगी। और ये रहा रेगुलेटर आईसी का, जो थोड़ी सी डिटेल मैं आपको देता हूँ पिन के बारे में। तो फर्स्ट पिन जो होती है 7812 में, वो इनपुट होती है। इनपुट में हम कितनी वोल्टेज दे सकते हैं, 50 वोल्ट, 100 वोल्ट, तो इसके लिए आपको हीट सिंक लगानी पड़ेगी। तो 50 वोल्ट 100 वोल्ट तक दे सकते हैं, जितनी भी आप वोल्टेज देना चाहें दे सकते हैं, जितनी आपके एम्पलीफायर बोर्ड में सप्लाई होगी। तो ये कनेक्शन इसलिए है बीटी बोर्ड में करने के लिए, बीटी बोर्ड को हमें ज़्यादा एम्पेयर की ज़रूरत नहीं होती है देने की। तो बीटी बोर्ड के लिए आप इस तरह से रेगुलेट कर सकते हैं रेगुलेटर आईसी का यूज़ करके। तो अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, और पीडीएफ रिलेटेड आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी सर्किट की पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको अवेलेबल कराने की कोशिश करूँगा। अभी तक इस वीडियो में इतना ही। जय भारत।